क्रिएट ऑर्डर। सेलर्स डैशबोर्ड पे आपके पास ऑर्डर्स को मैनुअली क्रिएट करने के दो तरीके हैं। इन तरीकों तक पहुंचने के लिए आपको डैशबोर्ड के लेफ्ट सेक्शन में ऑर्डर्स पे आना है और क्लिक करना है क्रिएट ऑर्डर। यहां से आपके पास पहला ऑप्शन आता है एक सिंगल ऑर्डर को क्रिएट करने का। आप चाहें तो बल्क ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं इस टैब को यूज करके। पहले देखते हैं कि एक सिंगल ऑर्डर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। सिंगल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको इन्फॉर्म आपको यहाँ पे भरना होगा क्या ये फॉरवर्ड शिपमेंट है या रिवर्स शिपमेंट। इसके नीचे आपको प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर की डिटेल्स। प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सही तरीके से और कंप्लीट डिटेल्स में बताएं। ईमेल एड्रेस बताना मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, चाहे तो नहीं। कस्टमर का पिन कोड ध्यानपूर्वक भरें और कोशिश करें कि जो आप एड्रेस कस्टमर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम सही है और जितना डिटेल पॉसिबल हो सकता है उतनी डिटेल में है। अगर आपको उनके आसपास का कोई लैंडमार्क पता है तो वो प्लीज लैंडमार्क यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ताकि आपके जो डिलीवरी बॉय है उसको आसानी हो वहां पे डिलीवर करने के लिए। इसके नीचे आपके पास ऑप्शन है शिपमेंट टाइप का। क्या ये आपकी शिपमेंट 500 ग्राम की है या 2 किलो से ऊपर, उसी हिसाब से एक्सप्रेस, हैवी सर्फिस या डेंजरस गुड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप मल्टीपल पैकेजेस भेज रहे हैं, उसके लिए आप मल्टी पैकेज सर्विस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन है अपना पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करने का। जो आपने प्री डिफाइंड पिकअप लोकेशन यहाँ पे ऐड कर रखी है उसमें से जहां से ये प्रोडक्ट पिकअप होना है इस कस्टमर के लिए आप वो एड्रेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट हिट करें। इस पेज पे आपको बताना है कि जो बॉक्स आप डिलीवरी के लिए भेज रहे हैं उस एक बॉक्स के अंदर कितने आइटम हैं और कौन कौन से आइटम हैं। जैसे कि एक आइटम है तो उस आइटम का नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी में वो आइटम है। अगर एक से ज्यादा आइटम आप इस एंड बॉक्स में भर रहे हैं तो आप एड आइटम पे क्लिक करें, दूसरे आइटम का नाम यहाँ पे मेंशन कर दें और उसकी क्वांटिटी मेंशन कर दें। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है एसकेयू नंबर, आइटम वैल्यू, टैक्स या एचएसएन कोड, ये आपके ऊपर है एज अ सेलर कि आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या नहीं। ये एक मैंडेटरी डिटेल नहीं है। सीधे हाथ की तरफ में आपको बताना है कि जो आपका बॉक्स है जो शिपमेंट के लिए जा रहा है उसका वेट कितना है, आपको उसका एंड वेट बताना है। ध्यान दीजिएगा ये वेट, ये वजन आपका केजीज में हो। इसके नीचे आपको बतानी है डायमेंशंस, आपके बॉक्स का करीबी कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, हाइट है, आपको वो चीजें यहाँ मेंशन करनी है। ध्यान रखिएगा ये इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर्स में यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपको बताना है इनवॉइस वैल्यू जो आपने अपने एंड कस्टमर को चार्ज किया है। क्या ये प्रीपेड शिपमेंट है या कैश ऑन डिलीवरी शिपमेंट है, आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। क्लाइंट ऑर्डर आईडी, फिर से ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड कर सकते हैं। जब आप अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर दें आप हिट कर सकते हैं नेक्स्ट बटन पे। यहाँ पे आपको आपके पूरे ऑर्डर का एक ओवरव्यू मिलता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने जो ऑर्डर अभी प्लेस किया है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत या इनकम्प्लीट दी है जो अधूरी रह गई है, आप यहीं से एडिट दबा के उस इन्फॉर्मेशन को पूरा कर सकते हैं। आपको वापस पेजेस पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे आपने पूरी अपनी डिटेल्स देख ली, इसके बाद आप कर सकते हैं प्रोसीड और आपका ऑर्डर हो जाएगा प्लेस। इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं एक सिंगल ऑर्डर। अगर आपको बल्क में ऑर्डर प्लेस करने हैं जहां पे एक से ज्यादा आप ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते हैं तो क्रिएट ऑर्डर सेक्शन में आप जैसे आते हैं आपको यहाँ पे प्लेस बल्क ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं अपना ऑर्डर टाइप कि क्या ये फॉरवर्ड शिपमेंट है या रिवर्स, एक्सप्रेस है, हैवी सरफेस है या डेंजरस गुड है। राइट साइड पे आपको ऑप्शन मिलता है अपनी पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करने का। इसके बाद अगले पेज पे आपको ऑप्शन मिलता है एक सैंपल डाउनलोड करने का। ये सैंपल होगा CSV टेम्पलेट। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको एक एक्सेल फाइल प्रोवाइड करी जाएगी। इस एक्सेल फाइल में आपके जो भी जरूरी टैब्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, तो आपको जे कॉलम तक जो जो टैब दिए हुए हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन भरना जरूरी है। आप अपने सारे ऑर्डर्स इन टैब के नीचे भर सकते हैं
इंफॉर्मेशन भरने के बाद इस फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर दें। यहाँ पे हमें आपका ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, जहाँ पे आप चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर्स आपने ऊपर प्लेस करे हैं उनका स्टेटस अपडेट आए। क्योंकि आप बल्क में ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ये ऑर्डर प्लेस करवाना चाहेंगे या आप किसी स्पेसिफिक कुरियर कंपनी को ये सारे ऑर्डर्स असाइन करना चाहेंगे। जब आप ये सारी चीजें फिल कर लें, आप वैलिडेट पे क्लिक कर सकते हैं और आपके सारे ऑर्डर्स प्लेस हो जाएंगे।